मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं रक्षाबंधन के दिन करण जौहर जी को मैं राखी बांधने जा रही हूँ, और जो मैंने स्पाइडरमैन का लुक लिया था, जो मैंने भूख हड़ताल करी थी, जो बिग बॉस हाउस के बाहर मैंने कहा था बिग बॉस आप मुझे भूल गए, तो बिग बॉस को सडनली याद आ गया मेरी, और मैं आज अभी जा रही हूँ बिग बॉस हाउस में, और अमेजिंग बहुत मज़ा आने वाला है सब लोगों को मिल के। जूली से मिलोगे कि नहीं फिर? जूली, जूली तो सदा बाहर है, जब तक जहाँ राखी वहाँ जूली। जूली तो परमानेंट बिग बॉस हाउस में लॉक रहती है बाथरूम में। जूली तो डेफिनेटली होगी। और मैम कल हमने कुछ पिक्चर देखे थे, आपका कुछ न्यू एल्बम आने वाला है। प्लीज टॉक अबाउट माई बिग बॉस, दैट्स इट, आई लव माई बिग बॉस। मुझे बिग बॉस के अलावा कुछ नहीं सोचता, दिन रात खाते पीते सोते उठते बिग बॉस, बिग बॉस, बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगा सीजन। आई मीन जो ओटीटी का जो वूट पे सीजन है बहुत ही मजेदार है। कौन सा फेवरेट? कुछ नम, कुछ गरम, कुछ नरम, कुछ आग बबूला, कुछ ठंडा, तो इट्स टोटली मिक्स है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे कंटेस्टेंट है इस बार के। कौन फेवरेट कौन है अंदर आपका, मतलब कोई दोस्त? मतलब आप सोचो कि ये बिग बॉस देखे, मैं अपने बिग बॉस का जो था वो सब भूल गई। कोई दोस्त है अंदर आपके? हाँ, प्रतीक दोस्त है, करण है, सब लोग हैं, सभी शमिता सेट्टी भी है। शमिता बहुत ही फेवरेट है डेफिनेटली, प्रतीक तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखकर। आप लोग देख रहे हो कि नहीं वूट पे, ओटीटी पे बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं? इट्स सो अमेजिंग, ओ माय गॉड। सलमान सर को कितना मिस करोगे? सलमान सर तो बिग बॉस उनके नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो करण जौहर भी कर रहे हैं वो उनसे कम नहीं है। तो सोने पे सुहागा, करण और सलमान जी ऑसम है दोनों ही। ओटीटी पे करण जी हैं, इज डूइंग ऑसम। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो लास्ट टाइम ब्लास्ट हुए हैं करण जी, दैट इज सो अमेजिंग। जो एक एक की खटिया खड़ी करी है, लुटिया डुबोई है, दैट इज अमेजिंग। और बाकी रहा तो मैं तो जा ही रही हूँ अंदर, और यू नो दैट मैं क्या करने वाली हूँ, यू डोंट नो। ओह माय गॉड, यू हैव टू वॉच वूट पे, ओटीटी पे देखो बिग बॉस। बिग बॉस नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा भैया? आज मैं कैसे लग रही हूँ बताओ, मेरा ये जो ड्रेस को सिंड्रेला ने, मैंने सुना कि कान फेस्टिवल में सब लोग ऐसे गाउन पहनते हैं, राइट? दीपिका जी, हाँ, बट मैं तो किसी कान नाक हाथ गला मुंह किसी फेस्टिवल में नहीं जा रही हूँ, मैं तो बिग बॉस में जा रही हूँ। बिग बॉस ने मुझे बुलाया है। अगर आपको इनवाइट करो तो कान फेस्टिवल वाले नेक्स्ट ईयर जाना चाहोगे? हाँ, और ऐसे कॉस्ट्यूम पहनूंगी जो सब लोग चौंक जाएंगे। प्रियंका जी एक बार आलू पहन के गई थी ना, आलू पहना था ना एक बार, आई डोंट नो, मिर्ची जैसा भी कुछ था, मैं आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरा कॉस्ट्यूम तो एकदम अलग होगा। कैसा लग रहा है डायरेक्ट स्पाइडरमैन से ऐसे हॉट अवतार में? एकदम बहुत बढ़िया। वाओ जनता, वेयर आर यू? जल्दी से बिग बॉस देखो, मैं जो धमाल करने वाली हूँ ना, तुम्हारे ये जो है ना रोंगटे ऐसे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। वाओ, लुक सेंटर, कल मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, सरप्राइज देखना ना, क्योंकि आज तो मैं यहाँ हूँ सुबह से, तो मुझे आज सुबह सुबह ही मैंने राखी बांध ली है, लेकिन आपको कल मैं वीडियो पोस्ट करूंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, जरूर देखना। कहते हैं मुझको हवा हवाई।
हवा हवाई आई वी 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 हवा हवाई हवा हवाई आई वी 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 मैं आ गई हूँ आई वी 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 बिग बॉस में मजा आएगा करण जी थैंक यू थैंक यू भाई इस पे अब कैसे जाऊँ ये जरा सोचो बोरिया बिस्तरा लेकर इतना बता बोरिया बिस्तरा है ये कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी रोहित।